हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुबॉग में। तो आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी हॉर्नबिल बुक से एक पोएम करेंगे, अ फोटोग्राफ, और इसकी ऑथर का नाम है शर्ली टोल्सी। बिफोर स्टार्टिंग विद द पोएम, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एडुबॉग, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए फिर आज हम पोएम स्टार्ट करते हैं, अ फोटोग्राफ। स्टैंजा वाइज इस पोएम को मैं एक्सप्लेन करूंगी अलॉन्ग विद द यू नो इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स एंड पोएटिक डिवाइसेस। सो विद स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टैंजा वी हैव, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। तो पहले स्टैंजा में जो शर्ली टोल्सन हैं वो एक्सप्लेन करती हैं कि जो पोएट हैं, शी वॉज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ, वो एक पुराने फोटोग्राफ की तरफ देखती हैं, एंड दैट फोटोग्राफ वॉज पेस्टेड ऑन अ कार्डबोर्ड शीट, वो कार्डबोर्ड शीट पर पेस्ट है। द पिक्चर शोज थ्री गर्ल्स, और पिक्चर क्या शो कर रहा है, थ्री गर्ल्स वॉकिंग ऑन द सी बीच, वो सी बीच पर वॉक कर रहे हैं और उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। द गर्ल हु इज स्टैंडिंग इन द मिडल इज द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट, और जो लड़की बीच में है वो कैसी है, वो टॉल है और उन बाकी दोनों से बड़ी है, एज में बड़ी है। द अदर टू आर हर कजन, और बाकी की दोनों लड़कियाँ उस बड़ी वाली लड़की की कजन है। तो शी द बिग गर्ल, जो बिग गर्ल है वो 12 ईयर्स की है और बाकी दोनों लड़कियां छोटी हैं और इस बिग गर्ल की कजिन्स हैं। द गर्ल इन द मिडल वॉज द पोएट्स मदर, तो जो लड़की बीच में है जिसके बारे में बात करी जा रही है, बिग गर्ल, शी द बिग गर्ल, वो पोएट की मदर है, एंड दैट वॉज अराउंड 12 ईयर्स और सो, और पोएट की मदर उस टाइम पर 12-13 साल की थी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स क्या आए हैं, पैडलिंग, पैडलिंग एक मीनिंग है इसके अंदर, पैडलिंग का मतलब है वॉकिंग और मूव थ्रू द वॉटर अलोंग द सी कोस्ट, पैडल करते हैं ना, जैसे आपने कोई डॉग को देखा होगा, कुछ ऐसे देखा होगा पैर मारते हुए चलते हैं, बिल्कुल वैसे बीच साइड पे जैसे हम करते हैं जो पानी वगैरह होता है उसके अंदर, पैर मारते हुए आगे की तरफ चलते हैं, तो उसे हम पैडलिंग कहते हैं। स्टैंजा नंबर टू, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस, माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजियंट फीट। सो इन दिस स्टैंजा पोएट डिस्क्राइब करते हैं किस तरीके से वो फोटोग्राफ लिया गया है, जो मदर के अंकल थे उन्होंने वो फोटोग्राफ क्लिक किया था एंड टोल्ड देम टू पोज फॉर द पिक्चर, उस पिक्चर के लिए पोज करने के लिए कहा था, और कौन फोटोग्राफ ले रहा था, अंकल। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, फोटोग्राफ लेना है तो सभी एकदम स्टिल हो गए टू पोज फॉर द फोटोग्राफ, देयर हेयर वॉज ऑल स्ट्रून ओवर देयर फेस, और क्योंकि बीच साइड पर हवा चलती है तो पूरे उनके फेस पर बाल आ रहे थे, फेस पर एकदम बाल उनके आ रहे थे। फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग अगो, फोटोग्राफ आप खुद ही समझ जाएंगे, पोएट की मदर उस समय 12-13 साल की थी, तो ये फोटोग्राफ बहुत पुराना है। व्हेन अ मदर वॉज इन चाइल्डहुड इन्जॉइंग हर केयर फ्री डेज, और जब मदर जो थी वो छोटी थी और वो अपने दिनों को इंजॉय कर रही थी, क्योंकि उस समय वो मदर नहीं थी, उस समय वो खुद बच्ची थी और उनके पास किसी तरीके की कोई जिम्मेदारियां नहीं थी, तो वो सी बीच पर इंजॉय कर रहे थे, फोटोग्राफ ले रहे थे। द पोएट कॉल्स देयर फीट टेरिबली ट्रांजिएंट एज दे वर यंग देन एंड नाउ ओल्ड, और पोएट ने क्या बोला है, उनके फीट को टेरिबली ट्रांजिएंट फीट कहा है, क्यों, क्योंकि अब उन्होंने डिस्क्राइब करा कि जो समुद्र है, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो तो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई, लेकिन मदर जो है अब वो
बात मतलब पहले वो 12 या 13 ईयर्स की थी और अब वो ओल्ड हो चुकी हैं, अब वो बड़ी हो चुकी हैं, तो उनके फीट जो यंग थे अब वो ओल्ड हो चुकी हैं। लेकिन जो सी है वो कैसा है, चेंज लेस, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। अब इसमें मीनिंग आपको नज़र आएगा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म के लिए, यानी परमानेंट नहीं होती है कोई भी चीज़। स्टैंजा नंबर 3, सम 20 and 30 ईयर्स लेटर शी एड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली शी एड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे। और उस टाइम के 20 से 30 साल के बाद वो मदर जो है वो पिक्चर को देखकर, स्नैपशॉट का मतलब होता है पिक्चर, जो फोटोग्राफ है उसको देखकर हंसती हैं और पोएट को बताती हैं कि देखो ये कजिन्स जो हैं डॉली एंड बेटी, यानी वो जो दो लड़कियां थी मदर के साथ उनका क्या नाम था, डॉली एंड बेटी। तो वो मुस्कुराती हैं, हंसती हैं कि देखो हमने किस तरीके की बीच पे गए थे और हमने हॉलीडे मनाने और हमने किस तरीके की ड्रेस पहनी हुई थी। स्टैंजा नंबर 4, वॉज अ पास्ट माइन इज अ लाफ्टर बोथ वरी विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज नथिंग टू से एट ऑल इट साइलेंस साइलेंस। In the last stanza, the poet remembers the beach holiday and she knows that it was the mother's most cherished memories of the past. जो poet है शर्ले टोल्सन वो उस बीच हॉलीडे को याद करती हैं और वो ये जानती हैं कि ये उसकी मदर का बहुत अच्छा एक cherished moment था, enjoyable moment था past का। While the poet most cherished, लेकिन poet का सबसे enjoyable moment क्या है, उसकी mother का हंसना मुस्कुराना उस photograph को देखते हुए। मतलब उसकी mother हंसती मुस्कुराती है जब वो इस beach holiday को याद करती हैं और poet को याद आता है कि कैसे मेरी mother हंसती थी जब वो इस photograph को देखती थी, अब तो उसकी mother नहीं है। They both try to compensate, वो अपने लॉस को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करते हैं। एंड देन द पोएट सेज, और अब पोएट कहती हैं कि उसकी मदर जो हैं वो 12 साल पहले मर चुकी हैं, द सेम एज एज दैट ऑफ द फोटोग्राफ, और उतनी ही साल पुरानी ये फोटोग्राफ है। शी वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस हर ग्रीफ, और वो अपने दुख को, यानी पोएट जो अपने दुख को प्रकट नहीं कर पाती हैं, एंड डेथ हैज ऑल्सो साइलेंस्ड हर मदर, और उस डेथ की वजह से उसकी मदर भी साइलेंट हो चुकी हैं, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है कुछ भी कहने के लिए, और पोएट भी शांत हो चुकी है और अपने ग्रीफ को, अपने दुख को कुछ नहीं कहती है, तो साइलेंस ने साइलेंस कर दिया। साइलेंस यानी यहाँ पे जो डेथ है उसने सब कुछ शांत कर दिया। इसमें जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं वो हैं वरी, वरी यहाँ पे, यहाँ पर आपका वर्ड आया होगा बोथ वर्ड, आयरॉनिक मॉकिंग, एंड साइलेंसेस का मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड। साइलेंस का यहाँ पर मतलब है कंप्लीट एब्सेंस हो गया है, किसी भी तरीके की कोई आवाज़ यहाँ पर नहीं है। अब इस पोएम में, अब फोटोग्राफ में कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, देखिए अगर आपने हमारी फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो पूरी एंड तक देखिए। एग्जांपल्स के साथ मैंने फिगर ऑफ स्पीच, जो कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं जो कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के पोम्स में आते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं एग्जाम्पल्स के साथ, और उसी का एक इम्पॉर्टेंट MCQ का एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है चैनल पर, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब इस पोएम में कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करा गया है, सबसे पहले एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आपका यूज़ करा गया यहाँ पर, स्टूड स्टिल। एलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, थ्रू देयर यहाँ पर, फिर यहाँ पर है टेरिबली ट्रांजिएंट, फिर लास्ट में साइलेंस साइलेंसेस, इन चारों जगह पर एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार का यूज़ किया गया है।
नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब दो ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं जब वो साथ साथ लिखे जाते हैं तो उसे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। लेबर्ड ईज, यहाँ पे लेबर्ड भी है और ईज भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं बट ये एडजेसेंट लिखे हुए हैं, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। तो इसी के साथ हमारी जो पोएम की एक्सप्लेनेशन है तो वो यहाँ पर फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और पोएम के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या एमसीक्यूज होंगे जल्द ही उसकी वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड करूँगी। आई होप आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। आप अपने ब्यूटीफुल कॉमेंट्स हमको कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।